एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियंट सुरेखा। आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं भाई की बारात लेके, तो यस हम जा रहे हैं बारात में। एंड ये मेरा फाइनल लुक है, मैं आपको फाइनल लुक भी दिखा दूंगी, ठीक है? तो उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या हो रहा है अभी घर में। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में भी दिख रहा होगा कि पीछे पानी फैला हुआ है, तो मतलब भैया नहा चुके हैं और अभी जाइए भैया को रेडी कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो उनकी शेरवानी ठीक कर रहे हैं। इसके बाद जो इसके पैर में जो वो थी ना माला, आई डोंट नो कि उसको और कुछ भी बोलते हैं या नहीं, बट हाँ ये माला जो थी ना उस पर्ल वाली, तो वो पहनाएंगे। इसके पैर में ही थी वो भी। तो ये जीजा जी का नहीं होता है, जीजा ही तैयार करता है दूल्हे को। और ये रस्म होती है हमारी तरफ, मुझे आप लोग बताना कि क्या आपके तरफ भी ये वाली रस्म होती है। और उसके बाद यहाँ जाजी सॉक्स पहना रहे थे भैया को, फिर भैया ने खुद से पहन ली थी, क्योंकि बस नहीं होता है, हाथ लगा दो हो गया नहीं, ठीक है ना, फिर खुद से भी कर सकते हो इतना। तो उसके बाद यहाँ भैया को दुपट्टा पहनाया, उसके बाद सहरा सजा, और फिर ये वाली रस्म तेल उतारना, क्योंकि तेल के दिन चढ़ता है और इस टाइम घी चढ़ाते हैं दूल्हे को और विंदायक को। तो विंदायक का आई थिंक हो गया था, तब दूल्हे का कर रहे हैं यहाँ, तो मामी कर रही हैं, उसके बाद मम्मी ने किया और सब ने किया। तो ये सब रस्में करनी होती हैं, जो कि मैंने आपको आई थिंक मेरे पिछले जो कज़िन ब्रदर की शादी थी उस वाली बारात व्लॉग में बताया था, ठीक है। उसके बाद जब दूल्हा तैयार हो गया था, तो दीदी आरता लेंगी, ठीक है, अभी तिलक तिलक कर रही हैं, उसके बाद आरता लेंगी। और उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है आरता वगैरह, तो दूल्हे की जो माँ होती हैं, मतलब दूल्हे की मम्मी, वो विंदायक को माला पहनाती है सबसे पहले, उसके बाद दूल्हे को सब लोग माला पहनाते हैं। तो यहाँ जो मामी है उन्होंने विंदायक को माला पहना दिया, उसके बाद यहाँ दीदी ने माला पहनाई ऐसे ही, उसके बाद सब ने एक एक करके माला पहनाई, ठीक है। तो मालाओं को तो आप देख लेना यार, इतनी बड़ी वीडियो मैंने शूट नहीं करी, ठीक है, इतना स्पेस भी नहीं था फ़ोन में, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, मेरे हस्बैंड के ना क्लिप मैंने यहाँ ऐड करी है, ठीक है, तो वो भी माला पहना रहे, तो इतनी सी क्लिप मैंने शूट की थी, तो मैंने यहाँ ऐड कर दी है। बाकी कुछ क्लिप और शूट करी थी, बट यार फिर ना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, अभी भी देखो 15 मिनट का हो जाएगा आई थिंक ये। उसके बाद भाई गए देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने, जो कि जहाँ पूरा खाने पीने का सामान रखा जाता है ना, वहाँ देवताओं को विराजमान किया जाता है, ताकि अन्न धन की कमी ना हो इसीलिए। और यहाँ पहले दूल्हा आता है आशीर्वाद लेने, तो यहाँ नेक होता है कि जो दूल्हे की मम्मी होती हैं, वो विंदायक और दूल्हा दोनों को ना चावल खिलाते हैं, अच्छा नेक माना जाता है चावल का, और चावल से मोस्टली रस्में होती हैं मैंने देखा है, ठीक है। तो ये सब खिला रहे हैं, और यहाँ जो विंदायक है ना, उसको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो अच्छे से खा रहा है। उसके बाद भैया आ चुके हैं बाहर। तो गाइज, उसके बाद यहाँ भैया उनके दादा का, मतलब मेरे नाना का आशीर्वाद ले रहे हैं, और बदले में दादा उनको कुछ दे रहे हैं। तो आशीर्वाद देने से पहले ही वो पैसे निकाल रहे हैं, जो कि आशीर्वाद के स्वरूप में दिए जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। के बाद जो भैया हैं वो अपने बड़े मम्मी और बड़े पापा का आशीर्वाद ले रहे हैं, मतलब बड़े मामा और बड़ी मामी का। और उसके बाद फटाफट से निकलेंगे घर से बाहर, क्योंकि अभी घर के बाहर की भी रस्में बची हुई हैं, और यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट रस्म है, सही पड़ा, बढ़िया है। चलो भाई हम चल दिए बारात लेके, ऐसे कुछ बोलिए चाची नहीं। यहाँ मैं मामी को गलती से चाची बोल दी, मुझे नहीं पता कैसे बोल दिया मैंने, अक्सर चाची को मैं मामी बोलती थी, बट मामी को चाची बोलना ये बड़ा अजीब सा लगा मुझे, ठीक है। उसके बाद हम निकले सीधे हाईवे से, और ये आई थिंक है दिल्ली दौसा वाला हाईवे जिस पे मैं फर्स्ट टाइम गई थी, कुछ इस तरीके का था, आप लोग देख लो। गाइज, मैं अब वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ बीच की, क्योंकि मेरा फ़ोन भर चुका है, मुझे फ़ोन खाली करना है, क्योंकि मुझे वहाँ भी वीडियो शूट करनी है। वैसे तो मैं अपना फोन खाली कर लेती हूँ, और उसके बाद मिलते हैं डायरेक्ट मैरिज गार्डन में। सखियाँ ने
सबर मैं आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा तो गाइज उसके बाद भैया और भाभी आ गए यहाँ स्टेज पे, क्योंकि यहाँ फैमिली के साथ भी फोटोज क्लिक करवानी थी, उनके रिलेटिव्स के साथ भी करवानी थी। तो यहाँ भैया भाभी ने ली थोड़ी देर गुड़िया, बट वो इतना रो रही थी ना यार, मुझे पका दिया उसने सही में, मतलब वो इतना रोए जा रही थी वो मेरे और उसके पापा के अलावा किसी के पास नहीं जा रही थी, इनफैक्ट मेरी बहन के पास भी नहीं जा रही थी, वरना वो उसके साथ तो वो हमेशा खुश रहती है। बट आप लोग देखो अभी भी उसने मुझे क्लिक भी नहीं करानी थी ढंग से कोई भी पिक्चर, आई थिंक ना मेरी पूरी एल्बम में ये ऐसी शादी है जिसमें मेरी पूरी एल्बम में ना दो या तीन से ज़्यादा कोई फोटो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आए यहाँ फेरो वाले जगह पर डायरेक्ट, खाना वाना खा लिया था मम्मी ने पहले, तो यहाँ कन्यादान चल रहा था, उनकी मम्मी बाबा बैठे हुए थे कन्यादान कर रहे थे। उसके बाद आई थिंक ये जो टाइम था वो रहता अराउंडिंग पौने तीन और सवा तीन के अराउंडिंग हमने भैया भाभी को यहाँ फेरो पर छोड़ दिया था और हम लोग निकल चुके थे स्टेशन के लिए, जो कि मेरी जो मामी है उनका छोटा वाला बेटा, मतलब जिसकी शादी है उसका छोटा वाला भाई हमें छोड़ने के लिए आया हुआ था स्टेशन। और आई थिंक अभी टाइम हो रहा है 3:30 के अराउंड, क्योंकि 4 बजे हमारी ट्रेन थी, तो मैं यहाँ लेट चुकी हूँ। आप लोग देखो यार थक गए रे यार, मतलब ना भागा दौड़ी मतलब एक भी दिन का रेस्ट नहीं मिला इसीलिए। तो उसके बाद मैं तो सो गई डायरेक्ट, उठी सुबह, और सुबह जब मैं उठी ना तो बहुत तेज भूख लग रही थी। सुबह का मतलब आई थिंक 12 बजे के आसपास, तो यहाँ मैं खा रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे पूरी सब्जी वाला लगता, तो मेरा फटाफट से मन धोया और फटाफट से मैं खाने में लग गई, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे। और गाइस जब मैं खाना खा रही थी ना तो कुड़ी मुझे घूर के देख रही थी, क्योंकि मैं उसको नहीं खिला रही थी, तो उसके पापा की तरफ देख रही थी कि ये इनको बोल दे तो मुझे खाना मिल जाए, बट ये बाहर का खाना था तो हमने उसको नहीं खिलाया, हमने उसको ऑनली दूध बिस्किट वगैरह ही खिलाया। उसके बाद यहाँ सैलड वाला आया तो मैं उसको सैलड दिया साथ में, तो खीरा खा लिया था उसने। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट मिलती हूँ स्टेशन पे, क्योंकि काफ़ी टाइम है, मैं अभी तो सो जाऊँगी वापस खा पी के।
तो गाइस हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और हम बाहर आ गए थे स्टेशन से। देखो साबरमती उतर चुके हैं हम, क्योंकि हमें अहमदाबाद रुकना था आज, क्योंकि सेम डे में टिकट नहीं मिला था मोरबी के लिए, तो हम अहमदाबाद रुके। ठीक है, तो यहाँ ऑटो पकड़ा हम लोगों ने और ऑटो से हम लोग पहुँचे फटाफट से घर पे। घर पे फेस वॉश वगैरह करके हाथ पैर धो के हमें दिखा ये ब्रोकली सैंडविच, जो कि उसके चाचा ने खुद के लिए बना के रखा हुआ था, और उन्होंने ये शाम के लिए बनाया था। दोपहर का तो उन्होंने खा लिया, तो उन्होंने सोचा कि शाम को चाय के साथ खा लूँगा, बट हमें दिख गया तो हम लोगों ने खा लिया और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने ये ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से नींद नहीं आ रही है। वरना गुड़िया को भी मुझे सुलाना, देखो कितनी चिड़चिड़ी हो रही है। सो बाय बाय, सी यू लेटर।